जैसे कि पता ही है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जो सिलेबस है फिजिक्स का वो किसके ऊपर बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी पर। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज रुखसार और मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने नीट की केमिस्ट्री की सिलेबस की बात की थी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की सिलेबस की बात की थी पिछले वीडियो में। सो आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। जो हमने सिलेबस कवर किया था पिछले वीडियो में, अब हम करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। नीट के जो एग्जाम में आपसे किस कॉन्सेप्ट पे सिलेबस पूछा जाता है फिजिक्स के सब्जेक्ट में, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक्स होते हैं जो क्लास 11th एंड क्लास 12th से कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका जो ये एग्जाम है ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया होता है। सो इसको फिजिक्स के सिलेबस को हमें देखना है कि इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नीट सिलेबस फॉर फिजिक्स, जैसे कि पता ही है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जो सिलेबस है फिजिक्स का वो किसके ऊपर बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी पर, जो क्लास 11th और 12th के लिए होता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर कर रहे हैं। सो क्लास 11th का अगर मैं देखूं सिलेबस फिजिक्स का, सो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सो इसमें आपको क्या क्या कवर करना होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स को आपको कवर करना होता है, सिग्निफिकेंट एंड फिगर्स को आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है, डायमेंशनल एनालिसिस। फिर दूसरी टॉपिक आपकी ये होती है काइनेमैटिक्स, जिसमें आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपको इसके बारे में पढ़ना होता है, मोशन इन अ प्लेन आपको इसके कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको इसके मेथड्स को समझने होते हैं, लॉज एंड मोशन की आपका ये थर्ड टॉपिक होता है 11th चैप्टर से, 11th की बुक से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन आपको पढ़ना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको वर्क एनर्जी एंड पावर का आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ता है। इसमें वर्क डन बाय अ फोर्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको डीपली वेरीफाई करके पढ़ना होता है। फिर इसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें आप सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं एंड एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है, जिसमें आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स पढ़ते हैं। फिर इसमें थर्मोडायनेमिक्स आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है, जिसमें आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स को आपको कवर करना होता है। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है जो 11th के सिलेबस से आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपके गैस के लॉज, आइडियल गैस बिहेवियर। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इसमें आपके सिंपल इसमें आपके वेव और मोशंस पूछे जाते हैं, इसमें जो हार्मोनिक मोशंस होते हैं उसके ऊपर के कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। फिर इसमें क्लास 12th की मैं अगर बात करूं फिजिक्स सिलेबस की, सो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको जो पहला टॉपिक होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसी आपको पढ़ना होता है जिसमें। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी करंट रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ के आप कॉन्सेप्ट और उसके रिएक्शन को कवर करते हैं। इसमें आपको सर्किट लॉ के बारे में भी पढ़ना होता है। ये क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस है जो नीट के एग्जाम के ऊपर
आपसे ये टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। सो इसमें लाइक आपको बायट सवार्ट लॉ आपको पढ़ना होता है, एम्परेरिस लॉ पढ़ना होता है आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। इसमें लाइक आपको फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और एसी सर्किट्स का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। थ्योरी इनके लाइक क्या क्या है ये सब आपको प्रॉपर पढ़ना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें आपको स्पेक्ट्रम ऑफ एंड एप्लीकेशंस आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद आपको लाइक ऑप्टिक्स का, जैसे मैंने बताया ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको कवर करने होते हैं, जिसमें आपके वेव ऑप्टिक्स भी कवर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद जो आपका दूसरा जो आता है टॉपिक वो होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। इसमें आपके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आपके कवर होते हैं इस चैप्टर से। एंड अगला पॉइंट आपका ये होता है, अगला टॉपिक इट्स एटम्स एंड न्यूक्ली। सो लाइक इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लाइक आपको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको लाइक कॉन्सेप्ट इनके समझने पड़ते हैं और डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है प्रिपरेशन टिप्स, लाइक अब हमने सिलेबस के बारे में तो हमने जान लिया कि सिलेबस हमें कवर कौन सा करना है, फिर किसी भी आपको लाइक एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि आप जितना सिलेबस से अपने आप को फैमिलियर करते हैं आप अपने एग्जाम के लिए उतनी ही तैयारी में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो इसकी कुछ टिप्स हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। आपको प्रिपरेशन के टिप्स में आपको अंडरस्टैंड करना होगा कॉन्सेप्ट को, लाइक आपने सिलेबस जान लिया कि हाँ ये सिलेबस है तो आपको उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होगा। अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइन प्रिंसिपल्स, जो इनके प्रिंसिपल्स है लाइक ये जो लॉज वगैरह आप पढ़ रहे हो या किसी की थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसका बेसिक प्रिंसिपल कैसे आया, वो सब आपको पढ़ना होता है। आपको मेमोराइजेशन लाइक आपको रिविजन कंटिन्यूसली करनी चाहिए एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, लाइक आप अपने आप को उससे क्वेश्चन से फैमिलियर करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। फिर आप इसके अलावा आप एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर करेंगे कि जो क्योंकि नीट जो क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एज नीट क्वेश्चन आर ऑफन डायरेक्टली बेस्ड ऑन देम, लाइक एनसीईआरटी के बेस पर ही क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रीवियसली ईयर के आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नीट का जो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो सभी क्रैश कोर्सेस होते हैं, आप उसमें अपना प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं ताकि आप नीट के पेपर्स में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना चाहिए, सो आप उसमें फैमिलियर करते हैं अपने आपको। सो ये कुछ बेसिक प्रिपरेशन टिप्स थी जो मैंने आज डिस्कस की आपके साथ। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।